वेलकम गाइस इन अनदर वीडियो। तो मैं भी आपको पता होगा कि काफ़ी डे से यूके में पड़ रही है बारिश एंड बादल जो है वो ढक रखा है पूरा सूरज को एंड मतलब कि प्रॉपर जो होता है ना बर्फ प्रॉपर बादल ही बादल आए हुए हैं यहाँ पर ब्लैक एंड बारिश हो रही है लगातार। मैं अपने रूम में सुबह से बैठा हूँ एंड सामने ही मेरे विंडो है, जैसे कि ऐसे मैं बैठा हूँ एंड सामने ही विंडो है, वहाँ से सिर्फ बादलों को देख रहा हूँ कि कब क्या होगा एंड मोबाइल वगैरह चला रहा हूँ सुबह से। बाहर आने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी मन नहीं कर रहा, जैसे कि बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि भाई ऐसे वेदर में ना कुछ करने को मन नहीं करता, लेकिन अभी कुछ देर पहले सूरज निकला एंड धूप आई तो मतलब एकदम से ना कोई एनर्जी सी आ गई मेरे में कि चलो बाहर चलते हैं एंड वीडियो बनाते हैं या फिर पार्क में चलते हैं तो थोड़ा वॉक वगैरह करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज, वैसे ही मतलब हाथ पैर इधर उधर मारते हैं। लेकिन जब मैं पार्क तक पहुंचा तो बादलों ने सूरज को फिर से ढक लिया। थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैंने लिए हैं, वो आप ऑलरेडी देखे होंगे, तो बहुत अच्छे। एंड अभी मैं एक यहाँ पर पेड़ों का थोड़ा क्या कहते हैं कि कवर सा किया हुआ एरिया है तो यहाँ पर आया हूँ फॉर वीडियो, बिकॉज बाहर चल रही है बहुत ज़्यादा हवा। मैं ट्राई करता हूँ बाहर जाने की, अगर हट गई होगी तो ठीक है, मतलब चलो आप मैनेज कर लेना अगर थोड़ी बहुत हवा आ भी रही होगी तो। आप देख रहे होगे कि भाई बाहर तो बहुत अच्छा ठीक है, मतलब कि अभी जो पहले आप कभी वीडियो में देखोगे ये सारे पेड़ थे जो ये हवा फिर से आ गई तो ये सभी पेड़ ढक रखे थे, ऐसे ब्लैक लग रहे थे, यानी कि कोई पत्ता वगैरह इन पर नहीं था। लेकिन अभी धीरे धीरे पत्ते वगैरह आने शुरू हुए हैं एंड हरियाली कलरफुल चीज़ें आ गई अभी, तो पहले जैसे कि जस्ट ब्लैक एंड वाइट सा ही था, लेकिन अभी जो है प्रॉपर कलरफुल चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से निकल तो आया एंड यहाँ भी हवा ही चल रही है तो मैं घर की तरफ जाता हूँ। तो ना यूके के घरों को लेकर यानी कि स्टूडेंट अकोमोडेशन के रिलेटेड रहकर बहुत सारी बातें रहती हैं हमारे माइंड में एंड काफ़ी स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं अबाउट अकोमोडेशन। एज यू नो गाइस कि मैंने 2-3 महीने पहले ठीक है अकेला रहना स्टार्ट किया, यानी कि इंडिपेंडेंट रूम लिया है। तो उस जब मैंने वो छोड़ा था तब से ना मेरे माइंड में एक वीडियो आ रही है बनाने के लिए, वो है हमें अकेले रहना चाहिए या फिर शेयरिंग में रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कोई भी ऐसा इसका सोचा नहीं, क्योंकि यार मन ही नहीं कर रहा था। मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा लिखूंगा, काफ़ी डे सोच रहा हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ा लिखूंगा, यानी कि थोड़ी प्रेपरेशन सी करेंगे, कोई लाइन्स वगैरह बनाएंगे सो दैट कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। लेकिन उसका चलो मुझे चांस ही नहीं मिला, चांस की यार मन ही नहीं कर रहा था मेरा। लेकिन अभी चलो मैं आपको ऐसे ही ठीक है बता रहा हूँ घूम कर ही, तो अगर एक दो बातें आपको हर्ट करेंगी या फिर गलत लगेंगी तो वो भाई आप मैनेज कर लेना, क्योंकि यार देखो मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस बताना है जो ऐसा मुझे लगा। बोथ यानी कि दोनों में रहने में अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो सबसे पहले कि मैं शेयरिंग में रहा था तो शेयरिंग की बात कर लेते हैं। शेयरिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपको, आपके पैसे कम लगेंगे, जैसे कि मैं £150 देता था वहाँ पर, तो ये एक बहुत सबसे बड़ा जो सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है कि आपको बहुत कम पैसों में अकोमोडेशन मिल जाती। तो इससे अच्छा बेनिफिट तो आप के लिए हो नहीं सकता, आप जब नए आते हैं तुम्हारे पास पैसे भी कम होते हैं एंड सहारा नहीं होता, घर वालों को छोड़कर आते हैं। तो जब हम ऐसे किसी के साथ रहते हैं तो दो बेनिफिट यही रहते हैं कि होमसिकनेस नहीं होती, हमें सहारा मिल जाता है, साथ में हमें पैसे कम देने पड़ते हैं उनको, तो साथ में हम पैसे भी कम देते हैं तो हमारा बजट वगैरह भी नहीं हिलता एंड मैनेज हो जाता है सब कुछ। तो उसके बाद अगर सेकंड बेनिफिट की बात करी जाए लिविंग शेयरिंग में रहने का फ्रेंड्स के साथ, तो वो हो जाता है आपके काफ़ी ग्रॉसरी के पैसे बच जाते हैं, ग्रॉसरी शेयरिंग में आ जाती है। अगर उनके पास ऐसा सामान है जैसे कि आयरन फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको अगर कोई चीज़ की नीड है जैसे कि टीवी हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गई, वैसे तो ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ये जब आप अलोन रहते हो। लेकिन शेयरिंग में अगर रहते हो तो अगर आपको ये सभी चीज़ें लेने की नीड भी पड़ती है तो शेयरिंग में ले सकते हो, यानी कि आप थोड़े थोड़े पैसे पाकर कोई भी चीज़ लेकर आ सकते हो आसानी से, क्योंकि ऐसा हमने किया था, हमने फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई एंड और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ली थी शेयरिंग में। सो गाइस टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एम्बर स्टूडेंट विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू गाइस कैन फाइंड अकोमोडेशन फॉर यूर सेल्फ। इवन यू वांट शेयरिंग अकोमोडेशन, प्राइवेट सेपरेट रूम, स्टूडियो रूम, एनी टाइप ऑफ अकोमोडेशन यू कैन फाइंड हियर इजिली। जब मैं यूके में आया था तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, यानी कि जब मैं थोड़ा ओल्ड 2-3 मंथ हो गए थे मुझे यहाँ पर तब मुझे पता चला था। लेकिन इनका जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि आपकी होम कंट्री से आप इनके साथ बुकिंग्स कर सकते हो, इनके साथ आप बातचीत भी कर सकते हो। एम्बर स्टूडेंट इज द ट्रस्टेबल एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म थ्रू स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन एंड एक्सपीरियंस एज वेल। अगर इनकी रेटिंग की बात करी जाए तो भाई 9 out of 10 विच इज द बेस्ट रेटिंग। एम्बर स्टूडेंट प्रोवाइड अकोमोडेशन इन एवरी कंट्री। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूके आना चाहते हो तो यूके के किसी भी एरिया में
आप अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो थ्रू एम्बर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर, बर्मिंगम, कोवेंट्री, लंडन, एनी वेयर यू गाइज कैन इजिली फाइंड अकोमोडेशन। तो इनकी साइट पर आपको बहुत सारी अकोमोडेशन मिल जाएंगी आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। तो आप इनके साथ मिनिमम स्टे में भी रह सकते हो, आपको ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी किसी स्टे में रहना चाहते हो तो वहां पर मिनिमम जो स्टे होती है वो 6 मंथ 1 ईयर तक की होती है, जो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है। लेकिन इनकी साइट पर अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत ही कम स्टे में ये आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल अब मरीन डेक में काफी सारे स्टूडेंट आएंगे तो वो इंडिया से बुकिंग कर सकते हैं, जो भी बुकिंग होगी उसकी थोड़ी बहुत फीस होती है, वो भाई रिफंडेबल होती है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, वो आप गाइडलाइन की पढ़ लेना। तो एनीवे ठीक है, कोई भी इमरजेंसी होती है या अगर कुछ भी होता है, भी स्टूडेंट नया नया आता है तो उसको अकोमोडेशन फाइंड करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। ऐसे में आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म एम्बर स्टूडेंट, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी परफेक्ट अकोमोडेशन या फिर आपका परफेक्ट रूम फाइंड करने में। इनकी साइट पर ठीक है आप जा सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी साइट पर जाएंगे, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। सो लिंक पर क्लिक करने के बाद गाइज आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म पर आ जाओगे, जहाँ पर आप अपने कुछ डिटेल्स भरोगे, आपका फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी वगैरह एंड आपकी कंट्री वगैरह, एंड आप भरोगे अपनी यूनिवर्सिटी को भी। आफ्टर दैट गाइज आपको अगेन आपकी यूनिवर्सिटी इनको लाइक बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कैंपस है आपका, सो दैट कि आपको नियर बाय सजेस्ट कर सकें एवरीथिंग। एंड उसके बाद आपको भरना है आपका मूव इन डेट, यानी कि आप कब आना चाहते हो, कब आपको अकोमोडेशन की नीड है, आपकी डेट, मंथ एंड ईयर वगैरह आप इनको बताओगे। उसके बाद आपकी जो मिनिमम स्टे है या फिर आप कितना टाइम रहना चाहते हो, तो मैं मिनिमम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेस देन 8 वीक्स ठीक है सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर यू कमिंग, सो 1, 2, 3, अगर आप अलोन हो तो आप एक चूज़ कर सकते हो। एंड आपका बजट क्या है पर स्टूडेंट के हिसाब से, तो बहुत सारे बजट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, लेकिन चलो हम मिनिमम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 90 पाउंड पर वीक। एंड उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ही यू गाइस कैन सी द टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट, देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट हो गया, स्टूडियो रूम हो गया, प्राइवेट हो गया एंड शेयर रूम हो गया, तो वो सब आपको आपके अकॉर्डिंग देख लेना है एंड सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपका जो फॉर्म होगा रिक्वेस्ट फॉर्म वो फिल हो जाएगा एंड आपसे ये 24 आवर्स में कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड तब तक क्या आप कर सकते हो कि इनकी साइट पर जाकर, जो कि आपको वहीं पर मिल जाएगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालकर, कैंपस नेम डालकर आप देख सकते हो बहुत सारी अकोमोडेशंस। यहाँ पर आप इनको शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, आई सजेस्ट टू एवरीवन दैट यू शुड डेफिनेटली चेक देयर साइट एंड देयर वर्क। अनदर बेनिफिट ऑफ लिविंग इन शेयरिंग इज कि अगर आपके पास कि अगर भाई ठीक है बहुत सारे काम होते हैं घर के, रोटी बनाना, सफाई करना, कोई बिल वगैरह अगर भर कराना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है तो उसको करवाना, या फिर कोई लेटर वगैरह आता है उनको मैनेज वगैरह करना होता है कि घर पर कोई रह जाता है, ठीक है, ऐसे अगर 2 लोग काम पर हैं तो उनमें से एक, यानी कि अगर 4-5 लोग रहते हो उनमें से 2-3 चलो काम पर चल जाते हैं, एंड अगर एक है तो वो घर पर, क्योंकि डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट भी डिपेंड करती है, जैसे कि हमें सेम था अब भी है वैसा ही है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि घर पर भी चलो कोई रह जाता है, थोड़े बहुत काम होते हैं तो वो भी डिवाइड हो जाते हैं, है ना, तू ये कर ले तू वो कर ले, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको हेडेक नहीं होगा। तो आपको ना यार ऐसा है कि आप फ्री माइंड कर सकते हो, अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि ऐसा कर कर ऐसा आज मैं थोड़ी इमरजेंसी है तो प्लीज़ तू कर दे। तो मैं सिर्फ नॉर्मल बेनिफिट्स ही बता रहा हूँ, यानी कि जो मुझे पता है, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखो होते हैं, है ना, जैसे कि कार वगैरह हो गया, शेयरिंग में आप कार ले सकते हो एंड शेयरिंग में और कई सारी हमें हेल्प मिल जाती है हमारे फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम इट गाइस, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। सबसे पहले तो अकोमोडेशन फाइंड करना, किसी के साथ शेयरिंग में रहना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत चैलेंज वाली बात होती है। हम अगर इंडिया में हैं या फिर मतलब कि हम हमारी होम कंट्री में हैं तो हमें देखो जो भी मिलेंगे तो वो हमारे ही होंगे, यानी कि हमें हिंदी आती होगी, पंजाबी आती होगी या फिर कोई भी लैंग्वेज है, तो वहाँ पर सिस्टम अलग होता है। यूके इज़ अ मल्टी कल्चर्ड कंट्री, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिलीजन के जो फ्रेंड्स मिल सकते हैं। फॉर्चुनेटली मुझे पंजाबी मिले थे मेरे, अभी भी मतलब उनके साथ ही सिस्टम, तो वो वीडियो देखेंगे तो गाली पक्का देंगे मुझे, लेकिन एनीवे, लेकिन शेयरिंग में ठीक है भाई हमारे खुद के लेजेंड को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। एक मेरा फ्रेंड है तो वो किसी और कंट्री के मतलब कि फ्रेंड्स के साथ रह रहा है, उसको कुछ नहीं होता, यानी कि ऐसा कुछ होता तो नहीं है, मैं ऐसा यहाँ पर मैं कोई भी भाई ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी किसी के साथ अगर रहेंगे तो वहाँ पर हर किसी के ठीक है अपने खुद के रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लाउड म्यूजिक अगर लगाओगे तो दूसरे को डिस्टर्बेंस हो सकती है,
आप अगर घर पर बात करनी चाहोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा बात करने के लिए, क्योंकि उसको डिस्टर्बेंस होगी। एंड उसके बाद ठीक है, काम वगैरह चलो जैसे भी होता है वो करने ही पड़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे ही बस लिया है, तो आप इसको बस आपके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेना, मतलब कि समझ लेना खुद से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली। इसके बाद यार ठीक है, स्टडी वगैरह मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे अगर शेयरिंग में हो, स्पेशली हमारे फ्रेंड्स के साथ है। वैसे यार स्टडी का किसी ने, अगर आप अलोन हो, जैसे कि मैं अभी अलोन हूँ, अभी भी नहीं करता स्टडी तो, लेकिन उनके साथ रहोगे तो हो सकती है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे। तो वैसे हमारे फ्रेंड्स भी चलो जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेते हैं, जिनको भाई मौज मस्ती करनी है वो मौज मस्ती करेंगे। अगर आपका पार्टनर या फिर आपके अदर फ्रेंड्स कुछ अल्कोहल वगैरह लेते हैं, अभी बारिश स्टार्ट होगी देखो, तो अगर वो अल्कोहल वगैरह करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इसकी वजह से, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो ये भी एक ड्रॉबैक आ गया। तो बस यार यही ठीक है, थोड़ी सी बातें ही मैं शेयरिंग के बारे में बोलनी चाहूँगा, ज़्यादा मुझे कुछ ठीक है, मैं मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी होगा कुछ। अभी थोड़ी बात कर लेते हैं, अगर हम अलोन रहते हैं तो अलोन का क्या सिस्टम है। अलोन रहने में यार कोई देखो बुराई तो है नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है कि हमें होम सिकनेस होती है, घर की याद आती है, या फिर हम अलोन होते हैं तो हमारा माइंड नहीं लगता किसी काम में, एंड 24 घंटे ऐसा रहता है कि यार कोई हो हमारे पास। तो मैं जैसे कि यार इंडिया में भी ठीक है काफ़ी जगह पर रहा हूँ, तो अलोन बाहर रहना थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, वैसे मैं घर पर भी अलोन वगैरह ही रहता था, तो मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत कम रहा हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंज नहीं मुझे लगा। मैं अलोन रह रहा हूँ अभी, मुझे 2-3 महीने हो गए अलोन रहते को, तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं रहे पहले एंड इतनी बड़ी कंट्री में अगर आओगे तो फर्स्ट टाइम आपको अलोन रहना मे बी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलो टाइम पर मैं घर पर भी आ गया क्योंकि बारिश आ गई, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ घर पर जाकर। तो गाइस जब मैं आ रहा था तो एक डॉगी था, जैसे कि मैं वो आप देखो घर के पास में चल रहा था, वो मैं भाई सीन नहीं ऐड किया इसमें क्योंकि शर्म, क्योंकि वो मैं ऐड नहीं कर सकता, वो बहुत फनी सीन हो गया मेरे साथ। तो मैं चल रहा था एंड एक डॉगी यानी कि वो लगा हुआ था, वॉल सी जो ग्रिल सी होती है वो लगी थी, एंड वहाँ से मुझ पर बार्क कर दी उसने एकदम से, मैं डर गया एकदम से। और फॉर्चुनेटली कैमरा वगैरह मतलब कि मेरा मोबाइल नीचे नहीं गिरा, तो डर गया था मैं। अभी देखो मौसम बाहर ऐसा हो गया, अभी रूम में हूँ तो रूम में इको वगैरह बहुत आती है, तो यार वीडियो बनाने का ना जब टाइम मिलता तो ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। बस अभी धूप वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाए ना यार, मैं बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ, यानी कि मैं खुद चाहता हूँ कि बहुत सारी वीडियोज़। एनीवे, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट यानी कि अलोन रहने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमें नुकसान होते हैं। तो जैसे कि आपको बता दिया, होम सिकनेस हो गई एंड थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड थिंग इज दैट कि आपको रेंट जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। अभी मुझे देखो ज़्यादा तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि जब मैं पहले रहता था तो सेम था, क्योंकि 150 pounds मैं देता था शेयरिंग में, एंड 30 to 40 pounds मेरे आ जाते थे इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल के, तो 200 के आसपास मैं टोटल देता था। लेकिन इस घर से पहले जब मैं यहाँ पर रहता था फ्लैट, तो वो मुझे 200 का पड़ा था एंड एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन दैट, तो वो सेम प्राइस मुझे मिल गया था। सेकंड थिंग, अभी इसमें रह रहा हूँ यहाँ पर, मैं 250 में एवरीथिंग इंक्लूडेड रह रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी गाइस देखो आप इंडिया से आओगे डायरेक्टली तो आपको ऐसी अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सभी रेफरेंसेज हैं मेरे, यानी कि जान पहचान के लोगों के साथ ही मैंने बातचीत कर ऐसी चीप जो अकोमोडेशन मैंने फाइंड की है। लेकिन जब मैं आया था तब मैं देखी थी बहुत सारी अकोमोडेशन, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, 300-400 to 500 ऐसे रेट में आपको शेयरिंग में ऐसे में आपको इंडिपेंडेंट यानी कि प्राइवेट रूम्स मिलेंगे। सो जैसे कि आपको अंबर स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बताया, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रह सकते हो, जैसे कि हमारी बोल्टन यूनिवर्सिटी में है एक नाम नहीं पता मुझे बिल्डिंग का, अनाल्डे विलेज समथिंग उसका नाम है, तो वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट रह रहे हैं अभी, एंड काफ़ी स्टूडेंट एम्बर स्टूडेंट के थ्रू भी रह रहे हैं, एंड काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक काफ़ी सारी साइट्स होती हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई है तो उसमें आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, एम्बर स्टूडेंट का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो इंडिया से बुक कर आ सकते हो। एंड अगर तो भाई आप यहाँ पर रहोगे 2-3 महीने तो आपकी जान पहचान होगी यहाँ पर, आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, काफ़ी लोग मिलेंगे ठीक है, जिनके साथ की आप बात करोगे अबाउट अकोमोडेशन, तो उनके साथ आप शेयरिंग में भी रह सकते हो, उनके साथ बातचीत कर आप लिविंग अलोन भी रह सकते हो, प्राइवेट रूम लेकर जो कि आपको चीप मिल जाएंगे। मेन थिंग होती है डिपॉजिट, शेयरिंग में भी देना पड़ता है यहाँ पर भी देना पड़ता है, लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आप क्या करें कि शेयरिंग में रहें 2-3 महीने, तो जब आप शेयरिंग में रहोगे तो आपको चलो कम आपका खर्चा होगा एंड आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप फाइंड करें आप धीरे धीरे फाइंड करें सेपरेट रूम अगर आप रहना चाहते हो, क्योंकि मैं इंडिया से यही सोच कर रहा था कि अलोन रहना चलो
धीरे धीरे फाइंड करिए, आपको मिल जाएगा प्राइवेट रूम, बातचीत करिए, ठीक है, तो आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेंगे, वो डिपॉजिट वगैरह भी आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। बेनिफिट्स तो ये हो जाते हैं कि आप सेपरेट रहते हो तो आपको भी हैबिट पड़ती है, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी हैबिट्स आप पे आती हैं। खुद से सब काम करने पड़ते हैं तो भी वो अच्छी बात है, खुद से उठना पड़ता है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता किसी का, जो भी करना है खुद की मर्जी से करना है बस, जो भी करना है। बाथरूम आपको सेपरेट मिल जाता है, ठीक है, आप अपना सामान कहीं भी रख सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहने वाली। एंड उसके बाद आप खुद से मैनेज कर सकते हो, आपके रूम को डेकोरेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप अलोन हो तो आप भाई फुली इंडिपेंडेंट हो, आप पर किसी का कोई प्रेशर नहीं होगा, आप पर किसी को भी कोई भी आपको छेड़ने वाला नहीं है, आपको कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है जो कि मुझे लगती है। पढ़ाई वगैरह अलोन रहने में आई थिंक हो जाती है, लेकिन इसमें बस एक बात आ जाती है कि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, 20-30% आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो जाता है, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना सा ही बताना था, एंड होपफुली अगर वेदर अच्छा रहा तो जल्दी ही मिलेंगे आपको किसी और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। अभी मैंने एक प्लान की है, एक ट्रैवल वीडियो, यानी कि एक किसी प्लेस का एक प्लेस विजिट करनी है मैंने, यहाँ पर काफ़ी सारी प्लेसेस हैं मैनचेस्टर में, तो आपको मैनचेस्टर घुमाऊंगा अभी मैं, आने वाली वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, मिलते हैं आपको किसी और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।